भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद केंद्र सरकार सावधान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखा है, कहा है नए साल के जश्न के दौरान भीड़ ना करें। इसके मद्देनजर दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। आइए जानते हैं किन राज्यों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की योजना बनाई है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। 31 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये कर्फ्यू 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। अब बात केरल की करते हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित किया है। नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को सभी समारोह रात 10 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए मास्क पहनना, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और ये 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। 31 दिसंबर को महाराष्ट्र में बार 11 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है, लेकिन दवा खरीदने और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए रात के कर्फ्यू के दौरान आप बाहर जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, पब, बार, समुद्र तट, छत और नाव में किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं है। कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने भी ऐलान किया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। ये कर्फ्यू 1 जनवरी तक रहेगा, लेकिन आधी रात को समूह में लोगों को अनुमति दी जाएगी। तमिलनाडु। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्टोरेंट, बीच, क्लब, पब्स, रिजॉर्ट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। 1 जनवरी के बाद कोविड 19 गाइडलाइंस के मुताबिक क्लब, रेस्टोरेंट में काम किया जाएगा। राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को उन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है जहां 1 लाख से ज्यादा की आबादी है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात के 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक रहेगा। राजस्थान में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। अंत में बात करते हैं उत्तराखंड की। देहरादून प्रशासन ने होटल, बार, रेस्टोरेंट और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक पार्टियां न करने का आदेश दिया है। न्यू ईयर पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाएगा तो ये प्रतिबंध देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में लागू होगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।